ओके गाइस, तो सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा यार, ये जो घंटी दिख रही है यार, इसे भी प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी टेक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। सो हे द एंड्रॉइड यूज़र, ये साल की हमारी पहली वीडियो है। तो यार जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने फ़ोन में एक स्टोरेज की प्रॉब्लम फिक्स करते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ऐप लेके आ गया हूँ जिससे आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो, या फिर अपने फ़ोन की स्टोरेज को कम कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से अपने फ़ोन की फ़ोटोज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो हे द एंड्रॉइड यूज़र, माई नेम इज़ अभिषेक, यू गाइज़ आर वॉचिंग एंड्रॉइड ब्लफर, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। अब देखो यार, हमारी वीडियो की जो ऐप है उस ऐप का नाम है लिट फोटो। अब आपको सिंपली ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अब देखो यार, ये ऐप का इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। इस ऐप का नाम है फोटो कंप्रेस एंड रीसाइज। अब ये ऐप में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, मैं आपको धीरे धीरे सारी, जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हो तो यार एक ऐसा नॉर्मल सा इंटरफेस मिलता है, कंप्रेस फोटो, रीसाइज फोटोज़ एंड क्रॉप फोटोज़। अब देखो यार, सबसे पहले आपको आपके कंप्रेस फोटोज़ पे टैप करना होगा, और उसके बाद आपको कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी होगी। अब जैसे यार यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं, इन फ़ोटोज़ को मैंने कंप्रेस किया है, तो मैं कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा जिन्हें मुझे कंप्रेस करना है। अब देखो यार, मैं आपको कंप्रेस का मतलब समझा देता हूँ। कंप्रेस का मतलब होता है कि हम किसी भी फ़ोटोज़ की उसकी क्वालिटीज़ या फिर उसकी MB को कम कर सकते हैं, जिससे हमारे फ़ोन में स्टोरेज बच जाए। अब आपको जैसे आप कंप्रेस पर टैप करेंगे तो आप अपने हिसाब से उसकी क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो यार, अगर मैं आपको सलाह दूँ तो आपको हमेशा 50 और 55 के बीच में रखनी है अगर आपको आपके फ़ोन की स्टोरेज कम करनी है, और आपको KB हमेशा 500 के ऊपर ही रखनी है ताकि आपकी फ़ोन की जो जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उनकी क्वालिटी ख़राब ना हो, और उसके बाद कंप्रेस कर देना है। अब देखो यार, ये फ़ोटोज़ मेरे फाइल में सेव हो चुका है। अब चलते हैं हमारे इस ऐप के अगली फीचर की ओर। अब इस ऐप में आपको दो एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, एक है रीसाइज फोटो और एक है क्रॉप फोटो। अब जैसे आप क्रॉप फोटो पर टैप करेंगे तो आप अपने किसी भी फ़ोटोज़ को या फिर कैसा भी आपने पोर्ट्रेट या फिर वाइड एंगल में ली हुई फ़ोटोज़ को आप यहां से क्रॉप कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले आपको उस फोटो को सिलेक्ट करके आपको यहां पे एक रेक्टेंगल शेप मिलता है, उस रेक्टेंगल शेप पे उसके फ़ोटोज़ पे कस्टमाइज़ करना होगा, और वहां पे आपको कन्फर्म टैप करना होगा। अब जैसे आप अपने कन्फर्म के बटन पर प्रेस करते हैं तो आपको एक ऐड देखना पड़ता है। अब गाइस, ये ऐप फ्री है तो आपको बेसिकली ऐड देखने को तो ज़रूर मिलेगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, रीसाइज फ़ोटोज़। अब देखो यार, ये रीसाइज फ़ोटोज़ एक नॉर्मल और सिंपली ऐप है। अब देखो, हमें जैसे कि पासवर्ड या आधार कार्ड के लिए रीसाइज फ़ोटोज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी होगी, और आप अपने हिसाब से उन फ़ोटोज़ की हाइट, कस्टमाइज, विद और अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो, मैं अगर आपको सलाह दूँ तो 600 या 700 के बीच में आप अपने पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ को रख सकते हो, जिससे आप उसे यूज़ भी कर सकते हो और आप इसी KBPS भी कम कर सकते हो। तो यार, इस वाला था ये वाली वीडियो के लिए। चलो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।